उसके शूज चोरी हो गए। वो भाई इतना ईमानदार भाई शूज लेके गया पर सॉक्स नहीं लेके गया। 200 रुपए का रूम और 500 रुपए का एसी रूम मिल जाएगा मस्त। पंडित जी ने बताया कृष्ण जी के प्यारे धोले ब्रदर प्लीज। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आप लोगों को आज बताता हूँ कि हम अमृतसर के अंदर कैसे अब कुछ ही पैसों में रह सकते हैं। सबसे पहले ये टॉयलेट देख लो भाई, नीट एंड क्लीन, हर 2 मिनट हर 10-15 मिनट में सफाई होती रहती है और इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा तो फ्री। एंड आप लोगों को रूम लेके रहना है या फ्री में रहना है, फ्री में रहना है अंदर कहीं भी जाके आप लेट सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोगों को रूम लेके रहना है तो भाई 200 से 500 रुपए में आप लोगों को मस्त एसी वाला रूम मिल जाएगा। 200 रुपए का विदाउट एसी और 500 रुपए का एसी। तो वो कहाँ पर है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई गुरुद्वारा में यहाँ से एंटर होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को श्री गुरु अर्जुन देव जी निवास है। इसके अंदर 200 रुपए का रूम और 500 रुपए का एसी रूम मिल जाएगा मस्त वाला। तो आप लोगों को एसी रूम में रहना है विदाउट एसी रूम में वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि 200 में रहना है 500 में। बट रविवार तक आप लोग आए तो भाई जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये फूल मिलेगा, आपको एडवांस में बुकिंग करानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आज जितनी यहाँ पे भाई भीड़ दिख रही है ना, जितने कम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं उतने इसके भी जस्ट डबल से भी ज़्यादा भाई शुक्र की रात और शनिवार और रविवार भाई इससे जस्ट डबल भीड़ होती है यहाँ पे। और आप लोगों को भाई एक गुड न्यूज दो आप लोगों को। हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है गाइस? मेरे जूते तो मेरे पास है, इसके भी इसके पास है। पर इसके कल रात हम जब गुरुद्वारा आए थे तो यहाँ से जब जा रहे थे हमने भारी शूज निकाल दिए थे, वो हमारी गलती थी, मेरी नहीं थी, मुझे तो पता था मेरी तो चप्पल है, मैंने चप्पल पहनी हुई थी बट इसने शूज पहने हुए थे, उसके शूज चोरी हो गए। वो भाई इतना ईमानदार भाई शूज लेके गया पर सॉक्स नहीं लेके गया। क्या भाई तू सॉक्स पहन ली है, तू सॉक्स पहन ली हो भाई, बड़ा बड़ा दुख है विजय का। ये कह रहा मेरे से कह रहा जी चला के सॉक्स रख क्या, मैं सॉक्स भी लेके चला जाता। तो फिलहाल भाई आगे शूज हाउस में जाके अपने शूज वहीं उतारेंगे, जूते स्टैंड पे जाके जूते स्टैंड पे भी उतारेंगे अपने जूते। मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा इस चीज़ में, शौक तो मेरे पे है ही नहीं, वो तो छोड़ के भी नहीं जाने का कुछ। शूज दे रहा हूँ मैं अभी, तो भी दे रहा है। तो जूते दे देते हैं भैया पे, तो ये भाई अपने शूज गए स्टैंड में। भाई मैंने एक चीज़ देखी, सामने माता जी देख रही है भाई, सेवा कर रही है, जूते उठे साफ कर रही है, वो जूते में पॉलिश कर रही है, धन्यवाद भाई। तो बस अभी आ सकते हैं और आप लोगों को सिर पे बांधने के लिए अगर आप रुमाल नहीं लाए, आपके पास कोई कपड़ा नहीं है तो भाई यहाँ पर एक जूते शूज स्टैंड पर ही आप लोगों को कपड़ा मिल जाएगा इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ से आप कुछ भी मतलब अपने लिए कपड़ा ले सकते हो सिर पे बांधने के लिए, जैसे मैंने ले लिया। और अभी चलते हैं अंदर गुरुद्वारा में, पर जा रहा था मेरे को एक और निवास स्थान मिल गया गुरुद्वारा के बिल्कुल सामने की तरफ, एक और है श्री गुरु रामदास जी निवास। तो अभी चल रहे हैं अंदर और अंदर जाके सबसे पहले अभी हमने पीनी है चाय, फिर उसके बाद दर्शन करने के लिए जाएंगे। शायद आज दर्शन हो जाए क्योंकि आज क्राउड बहुत कम है। लो भाई अपनी चाय भी आ गई, गोलू की भी आ गई और जल्दी से पीते हैं। जूते तो चोरी कराने नहीं है भाई, आज स्टैंड पर जूते को तो कोई डर नहीं है। तो ये बड़ी सी फनी चीज़ कहा थी, तो गाइस फाइनली भाई आज दर्शन हो ही गए। और भाई ये लाइन देखो कितनी लंबी लगी है, और भाई सुबह 9 बजे लगे थे और 11:30 बज गए हैं। बस अब यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ और आज कहाँ कहाँ जाऊँगा वो आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि पंजाब में गुरुद्वारा ही नहीं है, बहुत सारी जगह हैं जो देखने वाली हैं, तो सब जगह घुमाता हूँ आज आप लोगों को। और गाइस आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ भाई, जो गोलू ने गलती कर दी भाई इतनी मेहनत के बाद अंदर जाने के बाद, तो ऊपर एक जीना जा रहा है तो उसमें आप फर्स्ट वाले फ्लोर पर जाओगे इस वाले फ्लोर पर, और इसके बाद एक जीना और है जो इससे भी ऊपर जा रहा है जिसमें आप बिल्कुल लास्ट वाले फ्लोर पर चले जाओगे। तीनों पे ही आप लोगों को दर्शन करने, फिर उसके बाद आप लोगों को नीचे आना है और फिर उसके बाद यहाँ से लंगर खाना है या जो भी करना है आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम लंगर खाएंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे। तो कैसे लंगर में बैठ कर खाना आ गया, और देखो आप लोगों को रोटी लेने का स्टाइल दिखाता हूँ कैसे लेना होता है। हाथ आगे की तरफ करना है तब जाके रोटी लेनी है, मतलब दोनों हाथ ऐसे खिलाने और फिर रोटी लेनी है। तो बस अब लंगर खाते जल्दी से, अब जा रहे हैं दुर्गयाना मंदिर। और इस पार्किंग के जो चार्ज है भाई 12 घंटे का 30 रुपए, मतलब 24 घंटे के 60 रुपए बैठे। तो अभी यहाँ पे पैसे कटा के चलते हैं जल्दी से। अभी हमारी जो यहाँ से डिस्टेंस है वो है 1.5 किलोमीटर, और गोलू बोलने लगा कि भैया नहीं है तो गोल्डन टेम्पल मंदिर ही है, मैंने कहा नहीं ये वो नहीं है ये अलग है।
तो अभी पहुँचते जल्दी से और आप लोगों को भी दिखाते हैं इसने ऐसा क्यों कहा। आप लोगों को भी वही लगेगा वहाँ जाने के बाद, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है वैसे। तो गाइस हमारी चेकिंग हो रही है फिलहाल। अच्छा नहीं कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है पीछे भी, कुछ नहीं है पीछे भी। सर बैक करा देना, बैक करा दो। तो गाइस हमारी यही चेकिंग हुई भाई, इन्होंने देखा कि गाड़ी पे फिल्म तो नहीं चढ़ रही, तो निशान भी डाल दिया हल्का सा, हालांकि इनके पास चाकू था एक, बड़ा दुख सा हुआ, पर कोई बात नहीं। फिर इन्होंने पूछा पीछे भी लग रही है फिल्म, मैंने कहा नहीं पीछे भी नहीं लग रही, कागज़ पूरे हैं, मैंने कहा हाँ, तो फिल्म कह रहे जाओ। भाई पता नहीं कैसी चेकिंग कर रहे हैं, बाहर का नंबर देख के यार ये गलत चीज़ है, बाहर का नंबर देख के अगर ऐसे परेशान करेंगे ये लोग। तरीका है भाई चेकिंग करने, ठीक है आपने रोका, डॉक्यूमेंट्स देखो, ये थोड़ी ना कोई तरीका पूछ लिया हाँ भाई कागज़ पूरे हैं, हाँ ठीक है जाओ। अब मैंने शीशा डाउन कर दिया ना, मेरे से बोलता है कि शीशा ऊपर कर, मैंने कहा शीशा ऊपर कर, ये कौन सा तरीका आ गया नया, मैंने शीशा ऊपर करके देखा था। फिर उन्होंने फिल्म चेक की कि इस फिल्म चढ़ रही है नहीं चढ़ रही। तो गाइज ये है दुर्गानी मंदिर जाने के लिए अंदर रास्ता, और यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर, यहाँ से 100 मीटर ही रह गया तो, और मंदिर सामने क्या नहीं, मंदिर ये रहा लेफ्ट साइड में। ये पार्किंग है फ्री, वो भी बस 3 घंटे के लिए फ्री है, बाकी उसके बाद हमारे चार्ज लगने स्टार्ट हो जाएंगे। और नाइट में अगर हम यहाँ पे गाड़ी को पार्क करते हैं तो नाइट में भी चार्ज लगता है, तो नाइट में ही चार्ज लगता है, बाकी अगर 3 घंटे से ज़्यादा हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी तो फिर उसका चार्ज लगेगा। अभी फिलहाल ऊपर चलते हैं, फिर आप लोगों को दर्शन कराते हैं। ये है मंदिर का दरवाज़ा और यहाँ से जाना है मंदिर की तरफ। ओहो बहुत ही जल रहे हैं पैर भाई। तो मंदिर में जाने के लिए मेन दरवाज़ा ये है, बाकी एक उधर भी है हनुमान जी का मंदिर, तो मंदिर हनुमान जी के मंदिर बाद में जाएंगे, पहले चलते हैं अंदर की तरफ। और भाई ये 16वीं शताब्दी से ही पुराना मंदिर है, और इस मंदिर को 1995 में दोबारा बनाया गया था, जिसे फिर गोल्डन टेम्पल की तरह रखा गया था दिखने में। और बाकी आप लोगों को यहाँ से नज़ारा देख के पता ही लग जाएगा कि वैसा है या नहीं है। देखो पूरा वैसे की वैसे बना रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे गोल्डन टेम्पल है। और इस मंदिर के अंदर जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, लक्ष्मी माता और विष्णु देव भगवान की मूर्ति है। अभी अंदर से एक चीज़ और पता लगी भाई, यहाँ पे ये निशान देख रहा हूँ, ये अंदर पंडित जी ने बताया ये कृष्ण जी के पैर है। तो गाइस अब चलते हैं हनुमान जी के मंदिर और आप लोगों को हनुमान जी को और दर्शन करा देते हैं। जब तो भाई मंदिर से निकल रहे थे और भाई सामने दिखा कोका कोला का ब्रांड, और भाई 6 रुपए की बस एक बोतल भाई लिमका की, खाली लिमका ही है और कोई तो नहीं है, बट मैं तो देख मैंने कहा 6 रुपए की। फिर मैंने वेजी से पूछा कि वेजी अपनी तरफ से सेवा कर रहे हो आप कि या कंपनी दे रही है, तो बोले कंपनी दे रही है, तो ये भी ठीक है यार कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है। ये देखो भाई नैनो धोले, ये क्या धोले ब्रदर प्लीज भाई ये सही कर रखा भाई, ये तो देखो कितने टाइम से गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, अब धोएगा भी कैसे बेचारा। एग्जिट का बोर्ड लगा हुआ है सामने, बाहर जाने का रास्ता सामने की तरफ बिल्कुल, बट सामने की तरफ कुछ नहीं है, ये गाड़ी खड़ी है और इधर की तरफ भी कुछ नहीं है, हमें घूम के इधर से जाना पड़ेगा और देखते कहाँ से जाएंगे। फिलहाल गाड़ी लेकर निकलते हैं यहाँ से। फाइनली भाई अपना रास्ता मिल गया और देखते हैं हमारा कुछ चार्ज कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि 3 घंटे के अंदर अंदर अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो 3 घंटे में हमारा कोई चार्ज ही नहीं कटेगा। अपनी पर्ची देते हैं भाई को यहाँ पे और देखते हैं कोई चार्ज लगेगा नहीं लगेगा। तो भाई कोई चार्ज नहीं लगा अपना। तो भाई सारे काम छोड़ के अभी जहाँ जा रहे थे उस जगह को छोड़ के अभी वापस आना पड़ा गुरुद्वारे वाली जगह पे, कि यहाँ पे सामने की तरफ बरिश्ता है और बरिश्ता पे जाके मेरे को दोबारा पैसे नहीं खर्च करने हैं भाई, उनका वाईफाई यूज़ करना है, वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही, 4G नेटवर्क आ रहे हैं, मेरे वाले नेटवर्क पता नहीं क्या काम ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी। तो फिलहाल जाके वीडियो अपलोड करता हूँ मैं उनका वाईफाई यूज़ करके, क्या करूँ यार समझ नहीं आ रहा है। अब भी बरिस्ता पे भी गया उनका वाईफाई यूज़ किया वो भी नहीं चल रहा, स्पीड ही नहीं आ पा रही, मतलब 122-123 घंटे ऐसे दिखा रहा है। जो स्मार्ट सिटी वाईफाई यूज़ किया उससे भी नहीं हो पा रही, अपने वाला तो चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। उधर बैठा है सामने की तरफ गोलू, इसके कुछ यार दोस्त मिल गए लगता नशे पत्ते वाले। और एक चीज़ अच्छी हुई बस यहाँ आने के बाद वापस, कि मैं उधर उस साइड बैठा था सामने मुझे है ना ये जो मंदिर टाइप में बना हुआ है इस जगह बैठा हुआ था, और देखो देखो यहाँ पे एक आप लोगों को ड्रम भी दिख रहा होगा ना ये जो दिख रहा है, तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, एक वीर जी आए बराबर में कह रहे क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं बैठा हूँ, कह रहे इधर आ इधर बैठ, फिर मैं उधर उनके पास बैठा तो उन्होंने सेवा में लगा दिया, मतलब पानी पिलाने की सेवा में लगा दिया भाई, बर्तन धोने में लगा गया देखो
हाथ भी कैसे हो गए, वाइट वाइट हो रहे ना। तो ये सरफ के पानी में हाथ डालने की वजह से हाथ ऐसे हो गए, पर भाई मेरे को मज़ा आ रहा था। फिर मैं वहाँ से उठ के इसलिए आ गया क्योंकि मुझे म्यूज़ियम जाना था, और म्यूज़ियम जाने के बाद मुझे याद आया आज है मंडे तो म्यूज़ियम तो जा नहीं सकते। बट अब एक चीज़ एक जगह रह गई जहाँ मुझे जाना है, वो है साडा पिंड। बहुत ही प्यारी जगह है, तो अभी बस 5-10 मिनट में निकलूँगा यहाँ से और फिर आप लोगों को साडा पिंड वाली जगह दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी जगह है।